दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आम जनता के लिए खोल दी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस के हिसाब से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। दरगाह में 10 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर के लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दरगाह के गेट पर सैनिटाइजर लगाया गया है। हर किसी को पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा और उसके बाद ही वो अंदर जा सकते हैं। दरगाह पर फिलहाल फूल और चादर चढ़ाना मना है। किसी को भी दरगाह परिसर में अगरबत्ती जलाने की इजाजत भी नहीं है। सरकार के अगले आदेश तक कवाली भी नहीं होगी। दरगाह में किसी को सर्दी या खांसी हो तो उसे भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को हाथ से छूने की भी इजाजत नहीं होगी। साथ ही साथ दरगाह परिसर में जगह जगह सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। साथ ही पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें कोरोना से बचने के उपायों के बारे में बताया गया है। दरगाह को आम लोगों के लिए सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोला जाएगा। लॉकडाउन के बाद पहली बार आम लोगों के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह खोला गया है ज़ियारत के लिए, और लोग धीरे धीरे आ भी रहे हैं, लेकिन कई तरह के यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी लगाई गई है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। मसलन यहाँ पे आने जाने के लिए फुटप्रिंट लगा दिए गए हैं। फुटमार्क्स के जरिए जो रास्ता दिखाया गया है उसी रास्ता पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दो लोगों के बीच एक निश्चित दूरी होगी, उस दूरी का पालन करते हुए ही लोग अंदर जा सकेंगे। इस वक्त हम बड़े दरगाह के सामने हैं और हमारे साथ काशिफ अल इंजामी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं। जनाब, किस तरह के इंतजाम आप लोगों ने कराए हैं? इंतजाम जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है हमने पूरी उसी तरह इंतजाम दिए। यहाँ पे आप हमारे यहाँ फूल चढ़ाने अलाउ नहीं है। ये डब्बा रखा हुआ फूल चढ़ाने यहाँ पे लाइए, फ्लावर सारे इस पे लाइए। उसके बाद जो कपड़े की चादरें ला रहे हैं वो पीछे रख दी गई है। मजार शरीफ पे दरगाह पे कुछ चादर फूल नहीं चढ़ेंगे। और यहाँ के वजू खाने बंद कर दिए हैं जिसमें लोग हाथ मुँह धोते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया है। और सारे इंतजाम जो गाइडलाइन में है सब कर दिया गया है। मैं देख रहा हूँ कि हर पिलर के साथ सैनिटाइजर लगाया गया है। हर पिलर के साथ सैनिटाइजर इसलिए लगाया गया है कि हर आदमी को चाहिए सैनिटाइज अपना हाथ घड़ी घड़ी करे। तो यहाँ पे बहुत जगह सैनिटाइज का इंतजाम दिया गया है हर जगह पे, और बोर्ड भी लगाए गए हैं जो लिखा गाइडलाइन का लिखा है, सारे बोर्ड उस पर लगाए गए हैं, दीवार दीवार पे हर जगह लगाए गए हैं। जो लोग अगरबत्ती वगैरह लेके आते थे और वहाँ पे बकायदा जलाते भी थे उन लोगों को मना कर दिया गया। अगरबत्ती अलाउ नहीं है, अगरबत्ती कोई नहीं जलाएगा। लेके भी आएगा तो अगरबत्ती यहाँ रख देगा, जलेगी कोई अगरबत्ती नहीं जलेगी, ना दरगाह पे कोई चादर चढ़ेगी, ना दरगाह पे फूल चढ़ेंगे मजार शरीफ पे। एक बात बताएं, मैंने देखा कहीं लिखा हुआ था 10 साल से नीचे और 65 साल के ऊपर बुजुर्गों को अभी अलाउ आप लोगों ने फिलहाल नहीं किया है। अभी बच्चों को और बड़ों को अलाउ नहीं किया गया जो गाइडलाइन में है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं। और बिल्कुल, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से दिल्ली के अंदर फैल रहा है, हिंदुस्तान में लोग 60-70 हज़ार कोरोना के रोज़ मरीज़ आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमने सख्ती कर रखी है यहाँ पे दरगाह पे। तो निश्चित रूप से लोगों से भी इस बात की गुजारिश की जाती है कि वो निश्चित रूप से दरगाह पे आएं, लेकिन आने से पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही हम सबकी सुरक्षा है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।